glad to announce ki hamare sath ab Varun Dhawan and Shradha Kapoor, they are joining us. So Shradha Kapoor and Varun Dhawan! दिल्ली के प्रेस के लिए आज आप जितने भी लोग आए, ये पहला लॉन्च हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं, तो ये गाना आपको बड़े स्क्रीन पे दिखेगा. और जाने के पहले आप लोग के लिए एक सरप्राइज है. सारे जितने भी लोग यहाँ ऑडिटोरियम में है, आप खाली आपको लोगों के लिए होगा सरप्राइज, क्योंकि ये जो चीज़ हम लोग दिखाएंगे सिर्फ थिएटर में देख सकते हैं. बट पहले हम लोग भी गाना बड़े स्क्रीन पर देख ले आपके साथ, फिर आप लोग हमारी बुराई या अच्छाई कर सकते हैं. बजेगा ना ये बेसिकली फिल्म में ये गाना जो है श्रद्धा कपूर का इंट्रोडक्शन गाना है, जिसका नाम है इलीगल वेपन 2.0. जैस्मिन सैंडलेस ने गाया है, उनका गाना है, उन्होंने ही गाया है इसमें, और गैरी सांधू ने. तो एक्चुअली श्रद्धा से ये पूछा जाना चाहिए कि हाउ डिड शी ट्रेन फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एवरी वन, बहुत अच्छा लग रहा है टू कम हियर, एंड बहुत मज़ेदार लॉन्च हुआ हमारा बाहर. So that felt really, really good, and it's always good to be back in Delhi because it's my second home. And actually, ये गाना हम दोनों का battle है. पहला battle है film में, and बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, और in real life we're very good friends. तो I think कि on the big screen वो थोड़ा tension जो उसका opportunity मिला तो मज़ा आया उसमें. And we hope that you really like it. Yeah. मैंने तो genuinely जब फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, तो रेमो डिसूजा और भूषण कुमार जो प्रोड्यूसर है, वो लोग जब आए थे तो उन्होंने मुझे चार गाने सुनाए थे, उनमें से एक ये था. तो मैंने बोला था यार ये गाना तो मैं किसी और हीरो या हीरोइन को नहीं दे सकता, ये मुझे ही चाहिए, बिकॉज आई रियली लाइक जैस्मिन सैंडलेस की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, और गैरी सांधू की आवाज़ भी. एंड बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये गाना आता है. बट बिसाइड्स दैट, ये गाने में बहुत सारे नए बच्चे भी हैं हमारे साथ. विनय खंडेलवाल एक लड़का है जो दिल्ली का है, उन्होंने बहुत रियलिटी शोज में पार्ट टेक किया है. तो वैसे ही बहुत सारे लड़के लड़कियां भारत के अलग अलग जगहों से, भिन्न भिन्न जगहों से, छोटे छोटे शहरों से, एंड दे आर मेकिंग देयर डेब्यू इन दिस फिल्म. वर्तिका है जो डांस प्लस में थी, देयर इज सलमान हुज कम बैक इन दिस, धर्मेश, राघव, सुशांत, पुनीत को सब लोग जानते हैं, देयर हाउस होल्ड नेम्स. बट बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने डेब्यू किया है फिल्म में, लाइक नोरा हैज, एंड ऑब्वियसली देयर इज प्रभु देवा, जिनके बिना ये फिल्म इनकम्प्लीट है. ऑलराइट, वरुण, श्रद्धा, आप दोनों से सवाल कि जब कोरियोग्राफर डायरेक्टर होते हैं तो उनको अपने डांस से खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो रेमो ने आपको 10 में से कितने नंबर दिए दोनों को, डांट कितनी बार पड़ी, अगर पड़ी तो सही सही बताइएगा. हम तो चाहेंगे 10 में से 10, पर उन्होंने कितने दिए वो पता नहीं अभी तक हमें पता नहीं है कि उन्होंने कितने मार्क्स दिए हमें. आई थिंक कि हम उम्मीद करेंगे कि 10 on 10 मिले. करेक्ट. सो इधर आप श्रद्धा से ये पूछो कि उन्होंने ये गाने के लिए रिहर्सल कितने दिनों के लिए या महीनों के लिए की. बिल्कुल, कितने की और नखरे कितने दिखाए, क्योंकि गाने में भी नखरों का जिक्र है, तो वो वरुण आप बता सकते हैं कि नखरे उन्होंने कितने दिखाए. एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगी कि आपने मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में आंसर करना चाहूँगी कि 2020 का रेजोल्यूशन क्या है, और आपका सवाल. मेरा ये रेजोल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम मैं विश करूँगी कि एक अगर डांस फिल्म मुझे ऑफर हुए तो वो थोड़ा जल्दी ऑफर हुए, लास्ट मिनट नहीं ऑफर हुए.